गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं और इसमें भारत ने एक ऐसे गेम में गोल्ड मेडल जीता है जिसके बारे में इससे पहले मैं कभी जानता भी नहीं था। तो लॉन बॉल का आपने सुना होगा, इसमें हमारी जो महिला टीम है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है लॉन बॉल के अंदर। और ये जो लॉन बॉल है ना, कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा और फर्स्ट टाइम ही सुना था। जब गोल्ड मेडल जीता ना, तब पता चला कि ऐसा भी कोई गेम होता है। तो यार, इस गेम को देख के मुझे लगा कि हम बचपन में जो गेम खेलते थे कंचे वगैरह, और जो हमारे लड्डू रहता था जिसको हम भमरी बोलते थे हमारे इधर MP के अंदर, तो ये वाले गेम भी यार इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इससे तो काफ़ी अच्छे गेम है यार, इंटरेस्टिंग भी और मज़ा भी आता है। तो ये अगर लॉन बॉल इसके अंदर कॉमनवेल्थ में आ सकता है तो फिर हमारे क्यों नहीं? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। और जो भी हमारी महिला टीम है और जिन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता, जितने भी वेट लिफ्टर्स है और टेबल टेनिस की हमारी टीम है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीते, कुल 5 गोल्ड मेडल हम जीत चुके हैं अभी तक, तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक हो चुके थे, तो चलिए हम आप बात कर लेते हैं हमारे फ्री फायर की, क्योंकि फ्री फायर का चैनल है तो फ्री फायर की तो बात करना बनता ही है। तो हम बात करने वाले M1887 इवोल्यूशन की डेट, कन्फर्म डेट की, कौन से इवेंट में आएगी उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एज ऑलवेज हमेशा की तरह आपको करना है वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। नहीं किया है तो भी मेरा कुछ नहीं रहता, आपका ही नुकसान होगा, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बात करते कौन से इवेंट में आएगी, तो जो M1887 एवोल्यूशन गन वो आने वाली फेडरेटल के अंदर। कोई सा भी कल या परसों मुझे प्लेयर पूछ रहा था कि कौन से इवेंट में आएगी और किस मतलब कितने डायमंड लग जाएंगे, तो देखो भाई फेडरेटल के अंदर आपको पता होगा कितने डायमंड लगते हैं, तो लगभग 1200 डायमंड आपके लगने वाले हैं। फ्री स्पिन अवेलेबल नहीं होगा। और वो पूछ रहा था कि भाई डेट कब है, डेट काफ़ी सारे बंदे पूछ रहे थे, वो क्या काफ़ी सारे बंदे पूछ रहे थे कन्फर्म डेट बताओ। तो देखो यार, मैं कन्फर्म डेट तो नहीं बता सकता था किसी भी वीडियो में पहले, इससे पहले तक, क्योंकि मुझे पता नहीं थी। और मैं आपको वैसे ही फालतू में झूठ मूठ कुछ नहीं बताना चाहता था कि 8 तारीख बोल दिया, 10 तारीख बोल दिया, 20 तारीख बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं चाहता था। इसलिए आज मैं आपको कन्फर्म डेट बता रहा हूँ, 6 अगस्त को आने वाला है इवोल्यूशन M1887 का फेडरेटल। एक बार फिर से सुन लो, 6 अगस्त को आने वाला इवोल्यूशन M1887 का फेडरेटल। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये जो इवोल्यूशन गन है रिटर्न में आ जाएगी, लेकिन अगर टॉप क्रिमिनल कोई निकालना चाहता है या फिर नया क्रिमिनल मेडल निकालना चाहता है तो डायमंड बचा के ही रखना, क्योंकि हो सकता है कि वो रिटर्न में कुछ दिनों बाद में आए। कुछ दिनों से मतलब कि 2-3 साल बाद में आए, अभी आ रहा है कुछ भरोसा नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हर एक साल में भी रीलॉन्च कर दे, लेकिन गरेना वालों का इसमें अभी कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन अभी आ रहा है तो उसके हिसाब से ही देख लेना। ये तो जो हमारा फेडरेटल रहेगा ना M1887 का, ये तो 1 महीने तक चलेगा शायद, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है तो 1 महीने तक ही चलेगा। तो वेट कर लेना, आराम से निकाल लेना, आपके पास डायमंड हो जाएंगे तब। बाकी अभी के लिए थोड़े डायमंड बचा के रखो, क्योंकि ये जो महीना है ना, इसमें काफ़ी बड़े बड़े और अच्छे अच्छे इवेंट आने वाले हैं, तो डायमंड बचा के रखना, सोच समझ के ही यूज़ करना।